एम्स का बजट 2000 करोड़ है, आपका बजट 200 करोड़ है, तो ये के प्रति ज्यादा आस्था लोगों से पहले से बड़ी है। अब उस आस्था में और लोगों को लाभ मिलता है, प्लस जड़ी बूटियों का स्पेशल दे करके कि आपको घर में ही पहले जड़ी बूटी दे करके आप ठीक कर दीजिए, या किचन से देख लीजिए, किचन सामग्री आपका उसी से हम ठीक कर सकते हैं। तो संत पुष्पी या ब्राह्मी का चटनी बना के खाते हैं तो उसे और एंजॉय कर सकते हैं, उनका ब्रेन भी बढ़ सकती है। आप डिप्रेशन एंजाइटी पे कुछ बताइए युवाओं को। टीपी चतुर्वेदी जी और भी कई डॉक्टर मौजूद हैं, हमसे कुछ सवाल लेंगे बीएचयू के बारे में। सर, बीएचयू पे ये प्रश्न लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और इसकी वजह से मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं देखिए, अभी डॉक्टर सर ने बोला ना, इस चीज़ को हम लोग एकदम पूरी तरह से हर मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं और जल्दी से हम प्लान आउट कर रहे हैं। भीड़ तो हो जा रही है, भीड़ को रोका तो नहीं जा सकता, भीड़ को कैसे हम लोग मैनेज करें उसकी व्यवस्था हो रही है और उम्मीद है कि हम जल्दी इसके कोई डॉक्टर्स कम हो गए हैं ऐसा भी लोगों का। डॉक्टर्स तो कम थोड़ा सा, देखिए कभी कभी लोग रिटायर हो जाते हैं, सीनियर हो गए हैं, तो उसको जल्दी एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और अभी जो हम लोग ये देखें कि एम्स में इतना हर जगह कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग फुलफिल करने, एम्स का बजट 2000 करोड़ है, आपका बजट 200 करोड़ है, तो ये कब होगा? इसी चीज़ को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बड़ा अप्रिसिएट किए हैं, हम लोग उनके सामने जब ले गए और उनको है होपफुली, अब उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी इसका प्रॉब्लम। अलग अलग जगह से बीएचयू में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, बिहार से भी आते हैं, बड़े गरीब वर्ग के भी लोग आते हैं। मैं देखता हूँ बाहर कुर्सियों बाहर सोए रहते हैं, कहीं भी पार्कों में सोए रहते हैं, बड़ा अजीब सी प्रक्रिया, इस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इसमें देखिए हम लोग का जो अभी विश्रामालय वगैरह तो है, अब कुछ और हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और घर को या कुछ और कुछ ऐसे किया जाए, कुछ जगह इसके लिए हम लोग बनाएं और आगे कैसे किया जाए उस पर हम लोग हैं कंसीडरेशन कि इस एम्स में वो भी एक उतने ही इम्पॉर्टेंस रहेगा जितना हम एम्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा डेवलपमेंट का। अच्छा, कुछ अंतिम सवाल है, कुछ न्यूज एजेंसी ये भी कह रही है कि बीएचयू अब महंगा होता जा रहा है। नहीं, बीएचयू नहीं महंगा नहीं हो जा रहा, अब हम लोग ऐसा नहीं, अब तो ज़्यादा एम्स हो गया तो और हम फ्री करने के चक्कर में हैं कि कैसे हम फ्री करें हर चीज़ को, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद से हमारे डॉक्टर साहब हैं, और आयुर्वेद पे इस समय मरीज कितने आ रहे हैं, कितना बीएचयू की तरफ लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, हज़ारों की भीड़ तो आयुर्वेद में पर डे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग जैसा सर ने अभी कहा 10,000 के ओपीडी का, तो यहाँ आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा आस्था लोगों से पहले से बड़ी है। अब उस आस्था में और लोगों को लाभ मिलता तभी आस्था बढ़ती है, और कोविड आया, आयुर्वेद को जगाया, और हमें लगता है कि कोविड के बाद में पूरे देश ने दुनिया में बढ़ोतरी हुई है आयुर्वेद की, और खासतौर से जो नाड़ी परीक्षा आधारित या प्रकृति परीक्षा आधारित चिकित्सा हो रही है, प्लस जड़ी बूटियों का स्पेशल देख करके कि आपको घर में ही पहले जड़ी बूटी देख करके आप ठीक कर दीजिए, या किचन से देख लीजिए, किचन सामग्री आपका उसी से हम ठीक कर सकते हैं, न ठीक हो तो बाहरी दवाई की तरफ आप जाइए। क्यों हम दवाई की तरफ जाएँ, अपने घर में किचन से क्यों ठीक हो जाएँ, उसकी तरफ फोकस हम लोग कर रहे जाता। एलोपैथ आयुर्वेद अपनी जगह है, ये बताइए कि होम्योपैथ का बारे भी चुम, अब इसके बारे में तो हायर प्रशासन के बारे में ज़्यादा होगा, अब ये लोग सर बता सकते हैं। नहीं, होम्योपैथिक में बीच में हुआ था, कंसल्टेंट भी दो रखे गए हैं होम्योपैथ में, लेकिन अभी तो और आगे का कंसिडरेशन नहीं है, फ्यूचर में शायद अब उसके लिए भविष्य में है, फिलहाल तो अभी नहीं। कितने लोग आ रहे हैं ये इस मेले में जो आपका मेला होने जा रहा है? देखिए, हाँ, मेले में जो अब देखिए इसमें रिकॉर्ड है, पिछली बार 10,000 दोनों दिन आए थे, 10,000 पर डे, इस बार देखिए हम उम्मीद करते हैं क्योंकि इतने के आसपास रहेंगे, उम्मीद है। चीफ गेस्ट तो एक हैं साउथ की, कोलार की, डॉक्टर वेंगमा, वो वाइस चांसलर हैं, वही हम लोगों के चीफ गेस्ट हैं, वही इनॉग्रेशन करने के लिए। अच्छा, मेडिकल के छात्रों का कहना है कि उनको सिर्फ एक घंटे मिलते हैं, मतलब यहाँ बीएचयू के छात्रों का कहना है कि उनको सिर्फ एक घंटे मिलते हैं, और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक घंटे होते हैं उनके तो उनके समय सीमा को बढ़ाने के लिए आ रहा था, तो उन्होंने ही कहा कि ये प्रश्न पूछिएगा जेन्युइन है, लेकिन देखिए जब सबके लिए है तो वो संभव नहीं है, एक घंटे सफिशियंट है मैं समझता हूँ कि लंच के लिए, यदि कुछ इस तरीके का होगा तो इस पर बैठक होगी और कर्मचारियों विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं हमको टाइम कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए तो ये पॉलिसी मैटर है, इस पर अथॉरिटी डिसाइड करेंगे। डॉक्टर ओम शंकर सिंह के साथ मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, कार्डियोलॉजिस्ट के हैं, और तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान पे, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, आरोप प्रत्यारोप सब लोग स्वतंत्र हैं, वो उसमें कुछ नहीं कहना है, उसमें कोई कमेंट की आवश्यकता नहीं है, सबके अपने पर भी होते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ कमेंट की आवश्यकता है।
एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं आप, डिप्रेशन एंजाइटी पे कुछ बताइए युवाओं को। देखिए डिप्रेशन मेंटल हेल्थ से बड़ा परेशान है बच्चों के छात्र, मुझसे मैं कई सो करता हूँ लगातार पूछता हूँ। तो देखिए इसमें त्रिविध चिकित्सा विधा बताई गई जो हमारा देवापाश्रय युक्ति अपाश्रय सत्ता वजह है, मतलब 66% नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। 66% मानसिक रोग का है कि कम से कम पूजा पाठ और आस्था बढ़ाएं और प्लस उनको काउंसलिंग करें, जितना मेंटल बूस्टअप मतलब 66% आप ठीक कर सकते हैं। पूजा का उद्देश्य है कि जो ही आप झुकते हैं ना तो आपका ग्लूकोज लेवल सीधे सीधे ब्रेन को बिना ग्लूकोज खाए सप्लाई ब्रेन को मिलती है। तो यह है आपका क्या पूरा आपका राजधानी है, और राजधानी को ठीक करने के लिए झुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर हमें उल्टा दिशा में ब्लड फ्लो करेगा तो सभी खून कम जाएगी, सप्लाई कम होगी हमारी। लेकिन अगर हम झुकते हैं 10 बार तो हमारे झुकने से क्या होता है कि इसकी अच्छी सर्कुलेशन बढ़ती है। उस सर्कुलेशन से क्या होता है, चाहे बड़े का पैर छुआ, गुरु का पैर छुआ, भगवान का पैर छुआ झुका उसके आगे, तो उससे एंजाइटी डिप्रेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस पर एक रिसर्च किया हो सकता है, हम लोग बना रहे हैं प्लान कि कितना इसका बेनिफिट है। तो इस पर कम से कम आपका एक तो उनको बूस्टअप करें कि डोंट वरी मैं हूँ ना, एक उनका पूजा की तरफ, और दूसरा इससे काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर और चाहते हैं तो संघ पुष्पी या ब्राह्मी का चटनी बना के खाते हैं तो उसे और इन्जॉय कर सकते हैं, उनका ब्रेन भी बढ़ सकती है और ब्रेन के साथ में उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो घर में ही किचन में ही चटनी बना के खाएँ। जून अंतिम सवाल आपसे लूंगा क्योंकि आप लगातार जवाब दे रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स ही ज़्यादा मरीजों को देख रहे हैं इस टाइम, सीनियर डॉक्टर्स कम देख रहे हैं, ऐसा भी आरोप लग रहा है। नहीं नहीं देखिए ऐसे एक्चुअली क्या है, ये ट्रेनिंग पार्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ना, तो उनको भी सिखाना, ट्रेनिंग स्टूडेंट भी सर हॉस्पिटल बन गया है वो उसी लिए है ना, तो उनको भी तो बाद में सीनियर डॉक्टर उसको स्क्रीनिंग करता है कि आपने क्या देखा है, क्या डायग्नोसिस बनाया है, हिस्ट्री क्या लिया है, तो ये यही पार्ट है। बाकी प्रिस्क्रिप्शन तो जूनियर्स नहीं लिखते, मोस्टली सीनियर्स डॉक्टर्स ही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। 3 दिन बाद बी एच यू अपना चिकित्सा मेला यहाँ पे लगाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे आए और अपनी जांच कराए। धन्यवाद।